यह जो काश ऐसा होता वाली बीमारी है ना, उससे बचिए। प्रसिद्ध दार्शनिक जिम रॉन ने बड़ी समझदारी के साथ गौर किया कि जीवन में दो बड़े कष्ट होते हैं। एक कष्ट होता है अनुशासन का, दूसरा पछतावे का। अनुशासन का वजन औंस में होता है, लेकिन जब आप अपने जीवन को असंतुष्टि की दिशा में जाने के लिए छोड़ देते हैं तो कई टन भारी पछतावा होता है। आप भी नहीं चाहते कि बरसों बाद पीछे मुड़कर देखे और कहे, काश मैं उस व्यवसाय के मौके को हाथ से जाने नहीं देता, काश मैंने थोड़ा और पढ़ लिया होता, काश मैंने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होता, काश मैंने समय पर पढ़ाई किया होता, काश मैंने नियमित रूप से बचत और निवेश किया होता, काश मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताता, काश मैं अपनी सेहत की देखभाल करता। याद रखिए, फैसला आप ही को करना है, अंत में उसकी जिम्मेदारी आप पर ही आएगी। इसलिए बुद्धिमानी एवं सावधानी से चुनिए। अपने आप को उन लक्ष्यों को तय करने के प्रति समर्पित कीजिए जो भविष्य में आपकी सफलता और शांति की गारंटी दे सके। हर वो इंसान जो अपनी मंजिल को पाने की चाहत रखता है, वो कभी काश शब्द का या आने वाले कल शब्द का प्रयोग नहीं करता। आने वाला कल आपका खराब भी हो सकता है, लेकिन यदि तैयारी आज ही कर ली जाए तो भविष्य की चिंता तो खत्म ही हो जाएगी। और यदि किसी भी काम को कल पर छोड़ दोगे तो परसों तक उस काम का बोझ और ज्यादा बढ़ जाएगा। समय के साथ उस काम का बोझ बढ़ता जाएगा, फिर आप उसे कभी नहीं कर पाओगे। मोटिवेशनल स्पीकर चार्ली ट्रेमेंडस जोन्स अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहते हैं, मुझे याद है जब मैं अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद मैं अपनी जैकेट को मोड़कर उसका तकिया बनाता था और अपने डेस्क पर कुछ घंटे के लिए सो जाता था। चार्ली के लक्ष्य इतने सार्थक थे कि उन्होंने वह सब कुछ किया जिससे उनका व्यवसाय आगे बढ़ सकता था। अगर उसके लिए कुछ रात ऑफिस में सोने की जरूरत पड़ती थी तो वह भी सही था। इसे ही पूर्ण समर्पण कहते हैं, जो तब बेहद जरूरी होता है जब आप सर्वोत्तम बनना चाहते हैं। जब चार्ली 30 साल की उम्र के आसपास थे तो उस समय बीमा विक्रय का एक ऐसा व्यवसाय खड़ा कर लिया जिससे हर साल लगभग 10 करोड़ डॉलर की कमाई होने लगी। और यह उस समय की बात है जब 10 करोड़ डॉलर का मतलब बहुत ज्यादा पैसा यानी कि छप्पड़ फाड़ पैसा होता था। आज की सरकार और फिल्मों में तो खरबों डॉलर की बात होती है। आप जब अपने भविष्य के लक्ष्य के बारे में लिखने बैठे तो अपने आप से एक सवाल जरूर करना कि मेरे लिए क्या महत्व रखता है, इसे करने का मेरा उद्देश्य क्या है, इसे संभव बनाने के लिए मैं क्या छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सोचने का यह प्रक्रिया ही आपके माइंड को क्लियर यानी कि स्पष्ट कर देगी। आपके लिए ऐसा करना बेहद महत्वपूर्ण है। किसी नई दिशा में आगे बढ़ने के पीछे की जो वजह आपके पास है, वही सुबह सुबह आपके भीतर जोश और ऊर्जा भरती है। ऐसा उन दिनों में होता है जब आपका जागने का मन नहीं होता है। आपके लक्ष्य सार्थक होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, जीवन में कभी काश शब्द का प्रयोग करना ना पड़े। इसलिए आज से ही मेहनत कीजिए, संकल्प कीजिए कि आप जो भी करेंगे वो आज ही करेंगे और अभी इस वीडियो को बंद करने के बाद करेंगे। कमेंट जरूर करना कि मैं आज से ही और अभी से मेहनत करूंगा। विश ऑल द बेस्ट दोस्तों, मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।